हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पैटर्न फोटो लॉक स्क्रीन के बारे में, जो आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा। तो ये है पैटर्न फोटो। तो गाइज यहाँ पे आप छह पैटर्न, ये तो छह बिंदु तो होते ही हैं पैटर्न फोटो में, लेकिन उन जो छह बिंदु में आप अपना फोटो लगा सकते हो कुछ इस प्रकार के। तो गाइज बहुत अमेजिंग ये पैटर्न फोटो लॉक स्क्रीन है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को कम्प्लीट ही देखना अगर आप इस पैटर्न फोटो को सीखना चाहते हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाना है। तो अगर आपने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप वहां से आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं उस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपके पास ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन, चेंज पासवर्ड, चेंज फोटो, चेंज वॉलपेपर, मोर ऐप, रेट ऐप, बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आप लॉक स्क्रीन जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ। लॉक स्क्रीन आप जैसे ऑन करेंगे तो आपके सामने फ़ोटो व ऑप्शन हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो हमें अपना पैटर्न चूज़ कर लेना है। जैसे मैं ये वाला पैटर्न चूज़ कर लेता हूँ, इसके बाद हमें ओके कर देना। ओके करने के बाद हमें री इंटर पासवर्ड डाल देना है और ये हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है। इसके बाद अगर आप चेंज पासवर्ड करना चाहे तो चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आपके साथी या किसी आपके परिवार रिश्तेदार को किसी पता चल गया है आपका पासवर्ड तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास चेंज फ़ोटो। चेंज फ़ोटो का मतलब मैं पहले आपको सिर्फ 3 फ़ोटो चेंज करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप अपने आप फ़ोटो चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करो देखिए, अगर आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को बिना स्किप करो देखिए। बारी बारी से मैं आपको एक एक कट बताता जाऊँगा। तो मैं पहले फ़ोटो पर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, पहले वाले फ़ोटो पर। जैसे ही इस वाले फ़ोटो पर सेलेक्ट करूँगा तो आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कार्टून फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट हो गया कार्टून फ़ोटो। कार्टून फ़ोटो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा कि आप अपने साइज़ के हिसाब से अपना कार्टून फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद राइट कर देता हूँ। इसके बाद हम दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दूसरा वाला भी हमें कोई अच्छा सा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें राइट कर देना। इस प्रकार आप तीसरा भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा फ़ोटो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट कर देना। तो इस प्रकार आप अपने सारे फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे 6 फ़ोटो लगने के बाद आप यहाँ पे रीसेट डिफ़ॉल्ट नहीं करना, क्योंकि रीसेट डिफ़ॉल्ट करने के बाद ये सारे फ़ोटो आपके कट जाएंगे। तो ये आपके चैन फ़ोटो लग चुके हैं। इसके बाद आप चेंज वॉलपेपर करना चाहो, जैसे अगर आप वॉलपेपर, जैसे मैं पहला वॉलपेपर चेंज करना चाहता हूँ, इस प्रकार आप बहुत सारे वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ, तो चेंज वॉलपेपर हम क्लिक कर देंगे। तो गाइज अब बारी हमें देखने की ये लॉक हमारे फ़ोन में लगा है या नहीं। तो चलिए एक बार हम अपने बटन को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये आपको पहला जो आपने पहला पासवर्ड डाला है वो आपको डाल देना। इसके बाद आपका पासवर्ड ये खुल जाएगा। तो जैसे कि आपने जो पासवर्ड इसमें डाला था वही पासवर्ड हमें डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे एन पासवर्ड डाला था तो एन हमें पासवर्ड डाल देना है। तो ये हमारे होम स्क्रीन पर ले। तो गाइस देखिए आए आप सब लोग मेरी वीडियो को। अगर आप सब लोग पैटर्न फोटो लॉक स्क्रीन के बारे में सीख गए हैं यूज़ करना, तो कमेंट सेक्शन में नीचे मेरी तसल्ली के लिए आप मुझे बता देना। अगर नहीं सीखे तो शुरू से वीडियो देख लीजिए, और हाँ सीख गए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय बाय।